नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। फायरमैन कैलाश सालवीन से मारपीट के विरोध में नगर परिषद के कर्मचारियों ने आज पेन डाउन हड़ताल कर दी। उन्होंने नगर परिषद में प्रदर्शन कर सभापति कमिश्नर को ज्ञापन दिया। फिर सिटी कोतवाली में भी आरोपित मोतीलाल सिंघानिया के खिलाफ रिपोर्ट दी। रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इसमें आरोपित सिंघानिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश संगठन मंत्री हर नारायण माली व अध्यक्ष विजय लोढ़ा के नेतृत्व में सभी कर्मचारी आज सुबह नगर परिषद के पार्क में एकत्र हुए। फायरमैन कैलाश सालवी के साथ मारपीट करने पर आक्रोश जताया। उन्होंने पेन डाउन हड़ताल कर दी। प्रशासन शहरों के संग अभियान में लिपकीय कार्य कर रहे हैं। फायरमैन कैलाश सालवी ने आरोप लगाया कि मोतीलाल सिंघानिया ने सालवी से बुधवार को डराने, धमकाने, मारपीट कर राजकार में बाधा पहुंचाई। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजेश मल्होत्रा ने चेतावनी दी कि यदि आज शाम तक कार्रवाई नहीं हुई तो कल से सभी सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर उतर जाएंगे। कर्मचारियों ने कहा कि आए दिन बाहर के व्यक्तियों द्वारा कर्मचारियों पर दबाव बनाकर गलत कार्य करवाने एवं मानसिक प्रताड़ना पैदा करते हैं। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। सिटी कोतवाल को ज्ञापन देकर आरोपित सिंघानिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। कर्मचारियों ने नगर परिषद सभापति राकेश पाठक वह कमिश्नर दुर्गा कुमारी को भी ज्ञापन दिया। उन्हें साफ चेतावनी दी कि ऐसे माहौल में कर्मचारियों के लिए काम करना मुश्किल है। कमिश्नर दुर्गा कुमारी ने बुधवार को ही जिला पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। सर, कल 1 तारीख को दिन में मैं 1 बजे मतलब परिषद कार्य कर रहा था अपने कमरे में बैठ कर, तभी एक मोतीलाल सिंघानिया करके अपने आप को RTI कार्यकर्ता बताता है। वो आकर और मेरे साथ में मारपीट की और मेरे को अभद्र व्यवहार किया और मेरे साथ में गाली गलौज की है सर, जबकि कर्मचारी सभी इकट्ठे हुए और वो कमरे से निकलकर भाग गया। किस चीज़ को लेकर घटना हुआ? सर, साल भर हो गया सर, बार बार RTI मांगता है, अन्यत्र जगह झूठी शिकायतें करते हैं और दबाव बनाते हैं मेरे से, अकेले में आके मिलो या पैसों की मांग करता है इस तरह की। मतलब बार बार हमारे को मतलब बहुत सारे के साथ कर चुका वो और मुझे बार बार परेशान कर रहा था। मैं 1 साल से मेरे खिलाफ RTI लगाना या ऊंचे लेवल पर शिकायतें करना, इस तरीके से झूठी शिकायतें करके मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था। और कल भी एक RTI लेके आया था, उस दौरान कहा मैं आज और लगा रहा हूँ, तो मैंने कहा आपका काम है, आप कीजिए। RTI आपके खिलाफ लगा रहे थे किसी? बिल्कुल, नामजद लगा रहे हैं, हर बार लगा रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। और उन्होंने कल लाए और उनका अभी और लगाई है। RTI लगाने के बाद आपके पास आते थे समझौता करने, पैसे लेने, मांगने? मेरे को कह रहे थे कि मेरे से अकेले में आके मिलो। मैंने कह दिया नहीं मिलूंगा, मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं है आपसे। मेरा नाम कैलाश चंद्र सालवी, फायरमैन हूँ सर और लिपि के कार्य कर रहा हूँ सर अंदर, प्रशासन शहरों के संग लिपि के कार्य सर अंदर। कल 1 तारीख को हमारे कैलाश जी सालवी के साथ धक्का मुक्की मारपीट हुई, तो आज हम प्रशासन के कलेक्टर के साथ कोतवाल जा रहे हैं ज्ञापन देने। भाई इनकी उनको गिरफ्तार या उनके साथ कार्रवाई नहीं की तो कल सफाई डाउन करेंगे हम भी। सफाई हड़ताल करेंगे कल हम भी, सफाई कर्मचारी हड़ताल रहेंगे कल, आज कार्रवाई नहीं की तो। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस नगर अध्यक्ष राजेश मल्होत्रा। कल हमारे साथी कर्मचारी कैलाजी सालवी के साथ राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न की, उस कर्मचारी वो हमारे कर्मचारी है और हम सब उनके साथ हैं। हमारे साथ में हमारे प्रांतीय संगठन मंत्री हर नारायण जी, सफाई कर्मचारी के भाई अध्यक्ष राजेश जी भी हमारे साथ है और हम सब मिलके इनका विरोध कर रहे हैं उसका, और हम अभी सब सिटी कोतवाली में जा रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए। नवीन बोरा, उपाध्यक्ष राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन भीलवाड़ा। केसरबाई सोनी की 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चिकित्सा शिविर व रक्तदान शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ संगम उद्योग समूह के संस्थापक रामपाल सोनी, राधा देवी सोनी, अनुराग सोनी, डॉक्टर SN मुदानी, VK सोडानी व अरमान सोनी, अरण्या सोनी द्वारा किया गया। शिविर में हेल्थ अवेयरनेस टॉक में मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद के अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ में डॉक्टर धवल नायक व डॉक्टर मुकेश शर्मा द्वारा स्वास्थ्य परिचर्चा की गई, जिसे उपस्थित सभी श्रोताओं ने सराहा। इस अवसर पर मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद और सोनी हॉस्पिटल के सभी विशेषज्ञों को उनकी बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए रामपाल सोनी, डॉक्टर SN मुदानी व अनुराग सोनी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। निशुल्क परामर्श शिविर में डॉक्टर धवल नायक ने
48, डॉक्टर मुकेश एन शर्मा ने 216, डॉक्टर संदीप शाह ने 82, डॉक्टर राजीव कुमार बंसल ने 92, डॉक्टर विकास पटेल ने 27, रोगी एवं प्रत्यारोपण विशेषज्ञ अमित पटेल ने 42, डॉक्टर कपिल अय्यर ने 17, डॉक्टर अजय जैन ने 32, डॉक्टर मनीष चौधरी ने 56, डॉक्टर धर्मेंद्र कावरिया ने 72, डॉक्टर दीपेश अग्रवाल ने 28, डॉक्टर मनीष गोयल ने 38, डॉक्टर अरुण डोंगरवाल ने 41, डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने 60 निःशुल्क परामर्श दिया। हॉस्पिटल के सीईओ श्याम बिरला ने बताया कि सोनी हॉस्पिटल में 91 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें राम स्नेही ब्लड बैंक का सहयोग रहा। इस अवसर पर संगम यूनिवर्सिटी में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अनुराग सोनी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर करुणे सक्सेना, रजिस्ट्रार डॉक्टर राजीव मेहता द्वारा किया गया। संगम यूनिवर्सिटी के रक्तदान प्रभारी लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि संगम यूनिवर्सिटी के सभी स्टाफ और संगम स्कूल के स्टाफ द्वारा 80 यूनिट ब्लड यूनिट किया गया, जिसमें अरिहंत हॉस्पिटल का सहयोग रहा। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वो लगभग अभी तक आपने 25,000 रोगियों को यहाँ पर भिलवाड़ा में कंसल्टेशन देकर लाभान्वित किया है, तो जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे डॉक्टर मुकेश जी शर्मा। से हमारे लिए आए हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रशांत आगार, यस माता जी कैसे वर्ग का हमेशा ही एक प्रेरणा रही है कि केवल खुद के लिए नहीं बल्कि जो कुछ भी हम लोग ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ते हैं उसमें सभी की दुआएं काम में आती है, और इसलिए जिनों के भी कार्य जो है बराबर करते रहना चाहिए, उन्हीं की प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए आज से करीब 31 वर्ष पहले मेडिकल फैसिलिटीज के हिसाब से सोनी हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी। पिछले 31 सालों से लगातार नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर ये हॉस्पिटल जो है अपनी सेवाएं गढ़वा जिले के नागरिकों को बराबर देता हुआ है। बाद से जो है जयपुर से हैं, अहमदाबाद से हैं, दिल्ली से हैं, समय समय पर स्पेशलिस्ट जो है यहाँ आते रहते हैं और उनका लाभ उन परिवारों को विशेष रूप से मिलता है जो बड़े शहरों में रहकर इलाज कराने में सक्षम नहीं होते। आज उन्हीं की पुण्यतिथि के अंदर के कारण आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। नमस्कार, श्रीमती केसर भाई सोनी जी की 33वीं पुण्यतिथि पर आयोजित आज इस विशाल चिकित्सा परामर्श शिविर में सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद के 8 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनकी निःशुल्क सेवाएं देने के लिए आए हैं, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो फिजिशियन, लीवर रोग विशेषज्ञ, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, किडनी रोग विशेषज्ञ, फेफड़ा रोग विशेषज्ञ, और इसके साथ में श्रीमती केसर भाई सोनी हॉस्पिटल के सभी विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष चौधरी, डॉक्टर धर्मेंद्र कवरिया, दीपेश जी अग्रवाल, अरुण डोंगरवाल, प्रशांत आगाल, मनीष गोयल जी, ये सभी भी अपनी निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दे रहे हैं। आज के दिन हम हर वर्ष की तरह रक्तदान शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसमें श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल के यहाँ पर तो हम लोग 100 यूनिट का टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन साथ ही इस बार हमने संगम यूनिवर्सिटी में भी रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है, वहाँ भी लगभग 100 यूनिट होने की उम्मीद है। और जो भी
सेवाएं यहां पर लेना चाहते हैं वो कृपया आज 10 से 1 बजे तक आकर हॉस्पिटल में संपर्क करें। अपने आप को जो ज्ञानी मानता है वह अज्ञानी, अहंकारी व भक्ति शून्य है। अहंकार चाहे जानने का हो या शक्ति व धन का हो, हमेशा पतन का रास्ता दिखाता है। अहंकारी को हमेशा गिरना ही होता है। जहां अभिमान आता है वहां पतन आएगा। कलयुग में व्यक्ति के पास वाणी पाठ करने का भी समय नहीं है। शब्द का अर्थ जानने की ताकत नहीं रह गई है। अहम आदिकाल से विनाश का मूल रहा है। ये विचार अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के पीठाधीशी आचार्य रामदयाल महाराज ने गुरुवार को स्वामी रामचरण महाप्रभु के 303वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर मानिके नगर स्थित रामद्वारा में 10 दिवसीय विराट आध्यात्मिक सत्संग राष्ट्र पर्व से लेकर राम पर्व तक के 8वें दिन व्यक्त किए। आचार्य ने कहा कि महापुरुषों की गति महापुरुष ही जानते हैं एवं समझदारी की बात समझ सकते हैं। स्वामी रामचरण महाराज वाणी जी में कहते हैं कि अज्ञान, अहंकार व अर्थवाद पतन का कारण है। परमात्मा अनंत तो उसका ज्ञान भी अनंत है। जीवन की उलझनों में पड़े रहने के बीच ये ध्यान रखें कि हमारा आत्म कल्याण किससे हो सकता है। राम नाम के प्रति हमारी श्रद्धा कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। आचार्य ने कहा कि स्वामी रामचरण महाराज ने तप की वाणी में 15 अनर्थ बताए हैं। संपत्ति में 6 दोष बताए गए हैं जिनमें सबसे पहला झूठ है। एक भी व्यक्ति संपत्ति के बारे में सच नहीं बोलता है, इससे ही विवाद पैदा होते हैं। महाराज ने वाणी में संसार का चित्र खींचा है। माया के संग रहकर जगत में कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाया है। जहां झूठ होता है वहां फूट होती है और फूट होने पर रूठ व कूट होती है। उन्होंने कहा कि यह कहना सार्वभौमिक झूठ है कि लक्ष्मी मेरी है, जबकि वह वास्तव में नारायण की है लेकिन उनके पास भी नहीं रहती है। ऐसे में थोड़ी देर जिसके पास लीला करने आई उसके पास क्या रहेगी। श्री जी महाराज ने इस बारे में अद्भुत चिंतन दिया है और जीवन की सार्थकता समझाई है। आचार्य रामदयाल महाराज ने कहा कि बुद्धि नष्ट होने पर जीवन भ्रष्ट हो जाता है। जिनको अपने शरीर से, परिवार से, दर्द जंजीरों से बांध रखा है उसे राम भक्ति ही हानि हो रही है। वह अज्ञानी इंसान अपने सत्कर्म नष्ट कर जीवन समाप्त कर रहा है। जो कर्म सत्कर्म नहीं होता है वह परिवार, समाज व राष्ट्र को पतन की ओर ले जाता है। ऐसे लोग मति भ्रष्ट व प्रज्ञा भ्रष्ट होते हैं और पशु की तरह जगत में भटकते हैं। व्यक्ति क्या कह रहा है और चल किधर रहा है ये पता नहीं है। आचार्य रामदयाल महाराज ने कहा कि मनुष्य से अच्छा तो वह तोता होता है जो रटाने पर राम राम बोलना नहीं भूलता। मनुष्य सारी जिंदगी राम राम करने पर भी वक्त आने पर ऐसा करना भूल जाता है। मुस्कुराना और राम नाम गुनगुनाना जीवन जिसने सीख लिया उसकी जिंदगी सार्थक है। श्री जी महाराज ने दुष्टों से आत्मतत्व की जान फूकी है। सोने के तार में मोती पिरो कान में भी तभी पहना सकते हैं जब लक्ष्मी की कृपा होगी। सनातन जे जन गावे कलजुगता की रक्षा करावे। अखंड अक्षय अविनाशी निर्गुण निरंजन निराकार विश्वात्मा राम पद पद्मों में प्रणाम करते हैं। क्योंकि इस बार राष्ट्र पर्व से राम पर्व तक का यह 10 दिवसीय सत्संग आयोजन स्वामी रामचंद्र जी महाराज की इस धरती पर की गई तपस्या भीरवड़ा कितना गौरवान्वित और गर्व से भरा हुआ है कि भीरवड़ा की धरती केवल राम नाम की धरती नहीं, रामस्नेही संप्रदाय शास्त्रा की स्थापना की धरती है कि भीरवड़ा की धरती पर रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूं। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना, इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर। मैं आकाश बायजूस हूं। क्लास में, घर पे, JEE और नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बायजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बायजूस विजय भव। शिक्षक
शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों पर शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ग्लेन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulates the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। ग्लेन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50-90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसव, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लेगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधारकर सेवा का मौका दें।
बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरियंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरियंत हॉस्पिटल अरियंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482-250-290-253-101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख समय प्रातः 9:30 से 11:30 स्थान अपना घर वृद्धाश्रम परामर्श डॉक्टर विनित कुमार एम टीम उदयपुर। इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बाबजी चौराहा सांगने रोड भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष आयुर्वेदिक एमजीएच परिसर भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक स्थान वृद्धाश्रम अपना घर आरसी व्यास कॉलोनी परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह काछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गोशाला सिंदरी के बालाजी भिलवाड़ा परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। विश्व आद्र भूमि दिवस पर भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक भीलवाड़ा कन्वीनियर पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष हेमाराम चौधरी का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि प्रदेश में 443 झील जलाशयों की कुल 7,82,384 हेक्टेयर भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें से अधिकांश झील जलाशयों के किनारों व तालाबों में पानी आने वाले मार्ग पर अत्यधिक अतिक्रमण होने से इनका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। वहीं सरकारी अधिकारियों ने तालाबों की जमीन का आवंटन व बेचान तक कर दिया है। जाजू ने अतिक्रमण को तत्काल हटाने की चौधरी से गुहार की। जाजू ने आगे बताया कि भीलवाड़ा का कुल क्षेत्रफल 10,455 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 82,560 हेक्टेयर भूमि तालाबों के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। राज्य में 3,82,240 हेक्टेयर भूमि में से मात्र 2.29% क्षेत्र ही झील जलाशयों के नाम दर्ज है, जिसमें भी अधिकांश भाग संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही से अतिक्रमण की चपेट में है। इंटरनेशनल वेटलैंड डे पर जाजू ने कहा कि प्रदेश में तालाबों की भूमि पर अतिक्रमण होने से जैव विविधता नष्ट हो रही है, जिसका बुरा असर जंगल, पहाड़, नदियों, झरनों व जंगली जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। साथ ही तालाबों में सीवरेज का पानी जाने से भी तालाब प्रदूषित हो रहे हैं। झील जलाशय प्रदूषित होने के कारण प्रवासी पक्षियों का आना काफी कम हो गया है। अनेक बार प्रदूषण के कारण परिंदों की अकाल मृत्यु हो जाती है। राजस्थान में राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनी हुई, उसके अध्यक्ष है राजस्थान के वन पर्यावरण मंत्री। मैं उनका ध्यान आकर्षित कर बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है, उसमें 7,82,884 हेक्टर जो वेटलैंड है उसमें ज़्यादातर अतिक्रमण है और 443 झील जलाशय स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने चिन्हित कर रखे हैं, जिनमें भी प्रदूषित पानी जा रहा है और ज़्यादातर झील जलाशय अतिक्रमण की चपेट में हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो मात्र 2.29 वेटलैंड का प्रतिशत है, जो बहुत कम है। 24 ऐसे झील जलाशय है राजस्थान में जिन पर विकास कार्य होना है। दूसरा, ज्यादातर जितने भी झील जलाशय राजस्थान में है वो उनमें पानी आने के जो रास्ते हैं उन पर अतिक्रमण है, पानी आ नहीं पाता है, और पानी जो आ रहा है वो शहरों का सीवरेज वाला पानी आ रहा है, जिससे झील जलाशय सारे प्रदूषित हो चुके हैं, जो बदबू भी मारते हैं, उससे जैव विविधता पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
जिससे जंगल झील। भीलवाड़ा स्थानीय संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा में एनसीसी एनएसएस तथा सोशल क्लब के संयुक्त तत्वाधान में केसरबाई सोनी की 33वीं पुण्य स्मृति पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर अधिकारी लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि अरियंत हॉस्पिटल के सहयोग से संगम विश्वविद्यालय में आज केसरबाई सोनी की पुण्य स्मृति पर 81 यूनिट का रक्तदान किया गया, जिसमें समस्त फैकल्टी स्टाफ तथा एनसीसी एनएसएस एवं अन्य छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन संगम यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मेंबर अनुराग सोनी, कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, कुलसचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने किया। सभी रक्तदान दाताओं को अनुराग सोनी एवं कुलपति कुलसचिव ने सर्टिफिकेट प्रदान किए। डिप्टी रजिस्ट्रार अनुराग शर्मा, बीएल पारिक, जय कालिया, एनएसएस अधिकारी डॉ. श्वेता बोहरा, अजय जायसवाल, डॉ. शादा, पूनम चौहान, पवन अन्य, मोनिका भक्त, अभिषेक श्रीवास्तव आदि का विशेष सहयोग रहा। आज 2 फरवरी श्रीमती केसरबाई सोनी की स्मृति में संगम विश्वविद्यालय, अरियंत ब्लड बैंक और केसरबाई सोनी हॉस्पिटल के साझे तत्वाधान में आज यहाँ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़ करके हमारे शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक साथी, साथ ही साथ समस्त विद्यार्थी ये सब हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा संगम स्कूल के भी कई स्टाफ मेंबर्स आए हुए हैं और हमने इस पुनीत कार्य में बिल्कुल स्वेच्छा से उनसे कहा कि आप लोग आकर के रक्तदान करें। और ये जो है पहले हॉस्पिटल में ही किया जाता था, केसरबाई सोनी हॉस्पिटल में, लेकिन इस बार हमारे जो श्री अनुराग सोनी जी हैं उनके मोटिवेशन से हमने संगम यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का कैंप 2 फरवरी को पहली बार लगाया है। ब्लड डोनेट किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं उनको करना चाहिए। ये ब्लड जो है वो ज़रूरतमंदों के काम आए, जो हमारे सैनिक, हमारी की रक्षा करते हैं उनके काम आए। आज संगम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे इतने अच्छे एक नोबल कॉज के एक पार्टिसिपेंट बनाया और मैंने अपना ब्लड डोनेट किया। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। मैंने पहली बार रक्तदान किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए कि मेरा जो रक्त है वो ज़रूरतमंदों के लिए, और अगर किसी को भी इसकी ज़रूरत हो, जैसे एक्सीडेंट या कुछ भी, किसी को भी एकदम से नीड हो जाए ब्लड की, तो उसके बहुत काम आए ब्लड। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा जो ब्लड है जो मैंने फर्स्ट टाइम डोनेट किया है वो किसी के लिए, किसी ज़िंदगी को बचा सके। भीलवाड़ा जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की बैठक में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। महावीर गुज्जर को जिला अध्यक्ष, बंटी डायर को सचिव, सूरज गुज्जर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर अध्यक्ष गुज्जर ने कहा कि एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। जिला एसोसिएशन गठित होने के बाद यहाँ भी खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। खिलाड़ियों के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा और उनके मान सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज के दौर में नशे और नशीले पदार्थों से युवाओं को दूर कर उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। सचिव डायर ने कहा कि जिला एसोसिएशन की ओर से प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी और पुरस्कार के रूप में नगद राशि देकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जाएगा। इस दौरान महेंद्र प्रताप सिंह, चेतन प्रकाश वैष्णव, मोहम्मद इरशाद अंसारी, जीतू पारीक, वंश खोईवाल, मंगल सिंह राठौड़, धर्मो आदि उपस्थित थे। राजस्थान पुलिस में वर्ग 2 और अभी हाल ही में IBBF जो हमारी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट से इम्प्रूवर, उसका मुझे यहाँ का सेक्रेटरी बनाया है भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, मेरे को बनाने का तात्पर्य आगे से उनका यही था कि भाई जैसे एथलीट इतनी मेहनत करता है तो उनको आगे से आगे हम सपोर्ट करें, तो इसी हमारा मेन पर्पज यही है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अभी एथलीट बहुत सारे मिसगाइड होते हैं, कहीं और एसोसिएशन में जाते हैं खेलते हैं, लेकिन उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलता, उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होती। IBBF ऐसी एक फेडरेशन है जिसको आगे सरकार नौकरी देती है। जैसे मैं खुद एक उदाहरण हूँ, मैं भी अगर लगाऊं तो IBBF की तरफ से ही नौकरी लगाऊं और आगे से आगे मुझे प्रमोशन भी मिल रहे हैं, तो वो IBBF में खेलने से ही मुझे प्रमोशन मिल रहे हैं। अभी मुझे IBBF की तरफ से मेरा जिला का अध्यक्ष बनाया है बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में, और कुछ ही दिनों में हम मिस्टर भीलवाड़ा कॉम्पिटिशन कराएंगे। उसमें जो मिस्टर भीलवाड़ा बनेगा उसको हम बुलेट प्राइज में देंगे और हर वेट कैटेगरी में वो भी राशि दी जाएगी अलग अलग। और IBBF की तरफ से जो मिस्टर राजस्थान बनेगा भीलवाड़ा जिला से, उसको मेरी तरफ से 51,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। मैं सूरज गुजर, IBBF बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का कोषाध्यक्ष। मैं जैसे कि हमारे अध्यक्ष साहब ने, सचिव साहब ने बताया कि इस खेलों को हम भीलवाड़ा में एकता के लिए हिसाब से करेंगे, और जो हमारे नए नए खिलाड़ी हैं, जैसे जिनको पैसे की वजह से प्रॉब्लम होती है, किट की व्यवस्था नहीं मिल पाती है और महंगे महंगे जिम होने के कारण वो जिम नहीं जा सकते, इसलिए हम उनको
जिम की सुविधाएं जो फ्री प्रोवाइड कराएंगे और सप्लीमेंट का सहयोग करेंगे। आकोला बालाजी पुरावतो का आकोला भीलवाड़ा में श्री पंचमुखी हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा व रामचरितमानस के 13वें पाठोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। आकोला बालाजी मंदिर के सामने भव्य यज्ञशाला प्रतिदिन 1008 बानोड़ा मालाजी के आचार्य में वेद पाठी विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से आहुतियाँ देकर यज्ञ किया जा रहा है। पंचकुंडीय यज्ञ में प्रतिदिन भक्तगण यजमान बनकर जन कल्याण हेतु आहुतियां दे रहे हैं। यज्ञ नारायण भगवान के दर्शनार्थ हजारों की संख्या में भक्तगण आ रहे हैं। रात्रि में प्रख्यात भजनकार युवराज वैष्णव एवं पार्टी द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई, जिसमें भक्त भाव विभोर हो गए। भजनों के साथ नीमच से आए कलाकारों द्वारा राम दरबार, पंचमुखी हनुमान, माँ जगदम्बा की मनमोहक झांकियों को देख कर दर्शकों ने खूब सराहा तथा जय श्री राम के उद्घोष से पांडाल भक्तिमय हो गया। मंदिर प्रांगण में विभिन्न देवी देवताओं की मनमोहक इलेक्ट्रॉनिक झांकियों के दर्शनार्थ प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। यह जानकारी देते हुए पंडित मदन लाल तिवारी ने बताया कि 4 तारीख शनिवार को पंचमुखी हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी व 5 जनवरी को यज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी। श्री प्राज्ञ जैन महिला मंडल अध्यक्षका नीलू पानगड़िया एवं मंत्री किरण सेठी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राज्ञ भवन में होने वाली मासिक बैठक में यह अनोखा कार्यक्रम संपादित किया गया, जिसमें मंडल के सदस्याएं सास बहू की जोड़ी के रूप में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम नवकार जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तत्पश्चात परिचय राउंड में सास और बहू को कैटवॉक करते हुए एक दूसरे का परिचय स्लोगन या कविता के माध्यम से करना था। इसका निर्णय उनकी वेशभूषा और हाव भाव के आधार पर लिया गया, जिसमें विजेता रहे अजब देवी, मधु लड्ढा, सुनीता प्रियंका पिपाड़ा, संगीता उन्नति पानगड़िया। स्पेशल सास पुरस्कार सविता बाबेल को दिया गया एवं स्पेशल बहू अवार्ड शिवानी चौरड़िया ने प्राप्त किया। साथ ही जो बहनें सास बहू के जोड़े में नहीं आई थी, उन्हें सहेली का किरदार दिया गया। कार्यक्रम कई गेम्स जैसे तंबोला, बलून गेम एवं प्रश्न उत्तर के माध्यम से विजेता रहने वालों को पारितोषिक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में प्रमुख मार्गदर्शिका बसंता डांगी एवं अरुणा पोखरना ने जज की भूमिका निभाई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही मधु साखला। संरक्षिका सुनीता पिपाड़ा एवं मधु मेड़तवाल ने कार्यक्रम को संप्रादित करवाने में सहयोग दिया। कार्यक्रम में इंदु खमेसेरा, सुशीला दुग्गड़, जूली बोहरा, ज्योति पोखरना, नीलम नाहर, रजनी डोसी, नीलम सेठी, शांता पोखरना, चंद्रा सुराना, सीमा सिसोदिया, नीलू खटोड़, सरिता सिंघवी, ललिता पिपाड़ा आदि लगभग 85 बहनों की उपस्थिति रही। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।